हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे कद्दू की बहुत आसान सी सब्ज़ी। आप इसे बनाकर फ्रिज में रख भी सकते हैं और दो दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होने वाली है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में इसे हम बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है एक कद्दू। इसे पानी से अच्छे से धो लेंगे और इसका छिलका उतार कर इसके टुकड़े कट कर लेंगे। इसे छोटे छोटे पीसेस में आप कट कर लीजिए। इस तरह कद्दू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। कद्दू के छोटे पीसेस ही कट करें, ज़्यादा बड़े ना करें। अब कुकर में एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल दीजिए। इसमें एक पिंच हींग, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। इसके बाद कद्दू के जो पीसेस हमने किए थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये सभी सूखे मसाले डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से चला लेंगे। सभी मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स होने तक इसे अच्छे से चला लीजिए। अब इसमें 1 कप पानी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए। 2 विसिल आने पर फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अब कुकर का ढक्कन खोलकर इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि पीसेस गल गए हैं या नहीं। एक बार इसे चेक कर लीजिए और मैशर की सहायता से इसे मैश कर लीजिए। अब इसमें 5 से 6 चम्मच चीनी डाल दीजिए। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। 1/2 कप गुड़ आप इसमें डाल दीजिए। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला और 5 से 6 चम्मच अमचूर पाउडर आप इसमें डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। हाई फ्लेम पर इसे 5 से 6 मिनट तक पकाना है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लीजिए। कद्दू की स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे पूरी के साथ सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे आप फ्रिज में अगर रख देंगे तो 2 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और ये ख़राब नहीं होगी। इसमें मैंने टमाटर नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप एक बार इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मुझसे शेयर ज़रूर करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।